नेशनल हाईवे 352W यानी गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी रोड। इस रोड को अपग्रेड करके 2 लेन से 10 लेन का किया जा रहा है, यानी 6 लेन का होगा मेन कैरिजवे और दोनों साइड में 2-2 लेन की होगी सर्विस रोड। इस प्रोजेक्ट की लेंथ है 46 किलोमीटर, जिसपे काम करने वाली कंपनी है DRA। आज हम अपडेट देखने वाले हैं इस प्रोजेक्ट की 5.5 महीनों के बाद में गुड़गांव साइड से। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो इन्हें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इस छोटे से स्टेप से मुझे ऐसी ही और वीडियोस आप तक पहुंचाने की मोटिवेशन मिलती है, और अगर आप चाहें तो मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि देश भर में बन रहे अलग अलग स्टेट्स के प्रोजेक्ट की अपडेट आप तक पहुँच सके। इस NH का स्टार्टिंग का तकरीबन 6.5 किलोमीटर का हिस्सा है ग्रीनफील्ड। तो ये है द्वारका एक्सप्रेसवे, सामने की तरफ है नेशनल हाईवे 352W। स्टार्टिंग पॉइंट पे बनाया गया है अंडरपास जो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। ये अंडरपास बनाया गया है पटौदी की साइड से, जो ट्रैफिक आएगा जो NH 8 की तरफ जाएगा उसके लिए। आगे की साइड में ड्रेनेज और अर्थवर्क का काम ही किया जा रहा है। साइड एंगल से देख सकते हो RE पैनल्स को लगाने का और अर्थवर्क का काम काफी बाकी है मेन कैरिजवे के लिए। आगे की साइड में यहाँ पे एक ही पियर बाकी है जिसके ऊपर पियर कैप का काम किया जाना है। पिछली अपडेट में इन चारों पियर्स के ऊपर कैप का काम बाकी था। आगे की साइड में सर्विस रोड के ऊपर हो चुका है दोनों साइड में DBM की लेयर का काम। मेन कैरिजवे के लिए अर्थवर्क और RE पैनल्स को लगाने का काम काफी कम है। यहाँ पर भी रोड के दोनों साइड के पियर्स के ऊपर कैप का काम हो चुका है जो पिछली अपडेट में किया जा रहा था, और रोड के दोनों साइड में देख सकते हो अर्थवर्क और RE पैनल्स को लगाने का काम काफी कम था, जो इस बार रोड से पहले यानी राइट साइड में पूरा हो गया है। आगे की साइड में यहाँ पे काम किया जा रहा है VUP का। अभी यहाँ पे काम लेफ्ट साइड में ही स्टार्ट हुआ है। आगे की साइड में स्टार्टिंग में मेन कैरिजवे के ऊपर काम बाकी है। यहाँ से आगे की साइड में मेन कैरिजवे और दोनों तरफ की सर्विस रोड के ऊपर हो चुका है DBM की लेयर का काम। गुड़गांव के इस हिस्से में और पटौदी की तरफ आपको काफी लॉजिस्टिक पार्क देखने को मिलेंगे। मेन कैरिजवे के ऊपर DBM की लेयर का काम यहां तक ही हुआ है अप्रोच रोड से पहले। अप्रोच रोड का काम काफी बाकी है। यहां फ्लाईओवर के लिए लेफ्ट साइड में ही डेक स्लैब का काम पूरा हुआ है, राइट साइड में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा है। आगे की साइड में मेन कैरिजवे के ऊपर काफी कम प्रोग्रेस है। और यहां पर रोड के दोनों साइड के पियर्स बनकर तैयार हैं। पियर कैप का काम अभी बाकी है। इस साइड में एक स्पैन में गर्डर लॉन्चिंग का काम भी हो गया है। पिछली अपडेट ये थी इस पॉइंट की, तो देख सकते हो पिछली अपडेट के कंपैरिजन में यहां पे काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। और ये एंड हो जाता है ग्रीनफील्ड सेक्शन। यहां से आगे की तरफ ये पूरा एरिया पटौदी तक ब्राउनफील्ड ही रहेगा। इस एरिए में वाइडनिंग का काम हो गया है।
यहाँ पे बनाया गया है फ्लाईओवर, जिसकी दोनों तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर डीबीएम की लेयर का काम हो गया है, और फ्लाईओवर के लिए दोनों साइड में हो चुका है डेक स्लैब का काम पूरा। पिछली अपडेट में दोनों तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर अर्थवर्क और फ्लाईओवर के लिए दोनों साइड में डेक स्लैब का काम बाकी था। फ्लाईओवर की अप्रोच रोड के बाद में वाइडनिंग का काम किया जा रहा है। आगे की तरफ यहाँ पे राइट साइड की सर्विस रोड का काम बाकी है। ये है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, इसकी लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नीचे काम अभी बाकी है। पेरिफेरल को क्रॉस करने के बाद में वाइडनिंग का काम हो चुका है। सामने की तरफ यहाँ पे बनाया गया है वीयूपी, जिसके दोनों साइड की अप्रोच रोड के ऊपर हो चुका है डीबीएम की लेयर का काम। पिछली अपडेट में काफी अर्थवर्क का काम बाकी था दोनों तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर। सामने की तरफ एक वीयूपी और बनाया गया है, जिसकी दोनों तरफ की अप्रोच रोड का काम काफी बाकी है। वीयूपी तो यहां पे बनकर तैयार है। यहां पर होगा फ्लाईओवर, जिसके लेफ्ट साइड के पियर्स रेडी है विद कैप, राइट साइड के पियर्स अभी रेडी किए जा रहे हैं। दूसरी साइड में अप्रोच रोड के लिए आरई पैनल्स को लगाने का और अर्थवर्क का काम है। सामने की तरफ बनाया गया है एक और फ्लाईओवर, तो अगले फ्लाईओवर की दोनों तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर अर्थवर्क और आरई पैनल्स को लगाने का काम ही किया जा रहा है। फ्लाईओवर के लिए दोनों साइड में हो चुका है डेक स्लैब का काम। पिछली अपडेट में दोनों साइड में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो गया था। फ्लाईओवर से आगे की साइड में वाइडनिंग का काम अभी काफी किया जाना है। सामने की तरफ आ जाता है पटौदी बाईपास का स्टार्टिंग पॉइंट। पटौदी बाईपास होगा 7 किलोमीटर का, तो बाईपास के स्टार्टिंग में मेन कैरेज वे के लिए अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। यहां पर 4 में से 3 पियर्स रेडी हो चुके हैं, जो पिछली अपडेट में ही रेडी हो गए थे पियर कैप के साथ में। तो देख सकते हो पिछली अपडेट के कंपैरिजन से यहां पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। आगे की साइड में अर्थवर्क का काम ही किया गया है। यहां से आगे की साइड में ये बाईपास रेडी है। आगे की तरफ यहां पे इस लोकल रोड के ऊपर बनाया गया है स्मॉल वीयूपी, जो बनकर तैयार है। इसके दोनों साइड में काम अभी बाकी है।
यहाँ पे हो चुका है दोनों साइड की सर्विस रोड और मेन कैरेज वे के ऊपर डीबीएम की लेयर का काम। पिछली अपडेट में मेन कैरेज वे के ऊपर अर्थवर्क का काम था। यहाँ पर भी स्मॉल वीओपी बनाया गया है। इस पॉइंट पे भी दोनों साइड में काम बाकी है। आगे की तरफ पटौदी बाईपास के लास्ट फ्लाईओवर की अप्रोच रोड के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे हो गया है डीबीएम की लेयर का काम, जहाँ पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम था। फ्लाईओवर के लिए हो चुका है दोनों साइड में डेक स्लैब का काम पूरा। पिछली अपडेट में गर्डर लॉन्चिंग का काम ही पूरा हुआ था। दूसरी तरफ की अप्रोच रोड के ऊपर आधे एरिया में हो गया है डीबीएम की लेयर का काम। अप्रोच रोड के बाद में डीबीएम की लेयर का काम हो गया है। यहां से आगे की साइड में ये NH4 लेन का ही रहेगा। सर्विस रोड आपको फ्लाईओवर के साइड में ही देखने को मिलेगी। अब सामने की तरफ एक फ्लाईओवर और बनाया जा रहा है, तो अगले फ्लाईओवर की भी अप्रोच रोड के लिए दोनों साइड में अर्थवर्क और RE पैनल्स को लगाने का काम काफी बाकी है। फ्लाईओवर के लिए हो चुका है दोनों साइड में डेक स्लैब का काम पूरा, जहां पिछली अपडेट में एक ही साइड में डेक स्लैब का काम पूरा हुआ था। अगला फ्लाईओवर बनकर तैयार है, जो पिछली अपडेट में ही रेडी हो गया था। सामने की तरफ आ जाती है रेलवे लाइन, यानी दिल्ली रेवाड़ी सेक्शन। रेलवे लाइन से पहले काम काफी किया जाना है। यहाँ पर एक रेलवे ओवर ब्रिज पहले से ही है जो यूज में नहीं है। इसके ठीक साइड में दूसरा रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसके पियर्स रेडी हो चुके हैं दोनों तरफ के। पिछली अपडेट में यहाँ पे फाउंडेशन का काम ही पूरा हुआ था पियर्स की। आगे की तरफ डीबीएम का काम पूरा है। सामने की साइड में यहाँ पे बनाया जा रहा नया फ्लाईओवर, तो फ्लाईओवर के लिए यहाँ पे भी दोनों साइड की अप्रोच रोड के लिए RE पैनल्स को लगाने का और अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। पियर्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं विद कैप। पिछली अपडेट तक सारे पियर्स रेडी नहीं हुए थे। और सामने की तरफ ककोरिया गांव में बनाया जा रहा लास्ट फ्लाईओवर इस प्रोजेक्ट का। तो अगले फ्लाईओवर की अप्रोच रोड के ऊपर भी सेम प्रोग्रेस है। फ्लाईओवर्स के सारे पियर्स रेडी हो चुके हैं विद कैप। पिछली अपडेट में एक ही साइड के दो पियर रेडी हुए थे। दूसरी साइड में देख सकते हो अप्रोच रोड की ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है। और यहां से आगे की तरफ NH352 तक काम पूरा हो गया है।
ये है पीछे का एरिया जहाँ से मैं अभी ड्राइव करके आया हूँ। तो सामने की तरफ ये आ जाता है NH 352, यहाँ पे आके एंड हो जाता है ये प्रोजेक्ट। इस पॉइंट पे NH 352W से NH 352 में कनेक्ट होने के लिए लेफ्ट साइड में NH के दोनों तरफ कोई रैंप नहीं है। दूसरी साइड में तो रैंप बनाए गए हैं। यहां से आगे की साइड में जाएंगे तो रेवाड़ी की तरफ चले जाएंगे। अब प्रोग्रेस समराइज की जाए इस NH की, काम हर एक लोकेशन पर हुआ है पिछले 5.5 महीनों में। कहीं पर काम कम हुआ है, कहीं पर काम की काफी अच्छी प्रोग्रेस है। इस प्रोजेक्ट का इस साल के आखिर तक रेडी होना मुश्किल लग रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के कुछ फ्लाईओवर्स को पब्लिक के लिए इस साल ओपन किया जा सकता है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।